हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति एंड आज की हमारी रेसिपी है दही वड़ा। ये मोस्टली लोगों को बहुत पसंद आता है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। तो दही वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उड़द की दाल ली है हाफ कप, जिसे मैंने सोक कर लिया था रात में पानी में डाल करके, और सुबह उसको ग्राइंड कर लिया है। ये फ्रेंड्स डबल हो जाती है सोक करने के बाद, और इसका हम एक थिक पेस्ट बनाएंगे, हम इसे बहुत लिक्विडी नहीं बनाएंगे। तो मैंने अपनी सोक और ग्राउंडेड दाल ले ली है एक बोल में। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा और पिंच ऑफ हींग। फ्रेंड्स हींग डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब इसमें हम हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे। फिर मैंने थोड़े से नट्स लिए हैं, चिरौंजी और किशमिश, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए। ये स्टेप फ्रेंड्स बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसी से आपके जो दही बड़े हैं वो अच्छे से फूलते हैं और अंदर से भी फ्लफी बनते हैं। अदरवाइज मोस्टली दही बड़ों में क्या होता है कि अंदर जाकर के वो एक नॉट टाइप की रह जाती है, जो पकती नहीं है। जितने अच्छे से आप उसको फेटेंगे उतनी ही अच्छे और फ्लफी आपके दही बड़े बनेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स हम डालेंगे हाफ टी स्पून चिली और हाफ टी स्पून कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस फ्रेंड्स हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब मैंने ऑयल लिया है एक पैन में, जिसे मैंने हीट कर लिया है। हम ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे। इसके बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम अपने दही वड़ों को डालना स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा सा बैटर लेंगे अपने फिंगर्स के बीच में और धीरे धीरे इसको बॉल्स के फॉर्म में ऑयल में ड्रॉप करेंगे। आप चाहे तो स्पून से भी ड्रॉप कर सकते हैं। आज मैंने मिनी दही वड़ाज बनाए हैं, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। अदरवाइज आप इसको बड़े शेप भी दे सकते हैं। और इसे मैं एक फोक की मदद से पलट रही हूँ। हमें फ्रेंड्स इसको लो मीडियम हीट पे ही पकाना है। आप गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज ये बाहर से तो एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए अच्छे से पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे वड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम एक किचन टॉवल में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मिनी वड़ाज बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे हम एक बोल में पानी लेंगे और उसमें हम इन्हें डाल देंगे, ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वड़ों में वो निकल जाएगा। अब इसका हम एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट कर देंगे और एक प्लेट में इन्हें रख लेंगे। नेक्स्ट मैंने एक बोल में फ्रेंड्स 1 कप दही लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करूंगी एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। फ्रेंड्स ये दही वड़े हमने चाट स्टाइल में बनाए हैं, जैसे कि हम चाट स्टॉल्स पे जाते हैं तो वो हमें मिलते हैं, थोड़े से मीठे होते हैं। अगर आप इसको खिचड़ी या खाने के साथ खाने वाले बना रहे हैं तो आप इसमें हींग और जीरे का तड़का लगा सकते हैं और शुगर को स्किप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दही वड़ों को दही में डाल दिया है। अब इसे हम 30 मिनट्स के लिए सोक करेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स फ्रेंड्स
ये देखिए वड़ों ने सारा दही अच्छे से सोक कर लिया है और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें मैं ग्रीन चटनी डालूंगी। इसमें मैं डालूंगी फ्रेंड्स स्वीट टैमरिंड चटनी। अगर इसमें से किसी भी चटनी की रेसिपी फ्रेंड्स आपको जाननी हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। अब इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इसको मैंने गार्निश किया है कोरिएंडर लीव से। आप चाहें तो इसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे दही वड़े बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही यम्मी बनते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। Thank you so much friends for watching this video. Stay tuned for more such videos. Stay happy, stay healthy. Bye bye, take care.